हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमोशन में आरक्षण के इशू को। रिसेंटली सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्डिक्ट दिया है सरकारी नौकरी में प्रमोशन में आरक्षण के इशू को लेकर। जानेंगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इससे पहले के जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट थे उनको भी एनालाइज करेंगे। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, मैं आपको बता दूं कि पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज आते हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस कोर्सेज, और इन्हें आप ऑर्डर कर सकते हैं studyiq.com पे, या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। और यूपीएससी परस्पेक्टिव की अगर हम बात करें तो आपके मेन्स जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अंडर दीज सबसेक्शंस। तो रिसेंटली हुआ क्या, देखो सुप्रीम कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उन्होंने रिसेंटली एससी और एसटी कम्युनिटी के लिए काफ़ी आसान बना दिया कि वो प्रमोशन पा सके सरकारी नौकरियों में। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 की एम नागराज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को मॉडिफाई किया है। अब ये तो मैंने आपको बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर ब्रीफ में बताया कि हुआ क्या है, मगर यहाँ पे काफ़ी सारी लेयर्स और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी बातें कही हैं। उन बातों को समझने के लिए पहले हमको जाना होगा 1992 में, जी हाँ काफ़ी टाइम पहले जाना होगा, और वहाँ पर समझना होगा कि ये डिबेट शुरू कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में क्या कहा था, उसके बाद सरकार ने कौन से नए कानून इंट्रोड्यूस किए थे। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस पर जजमेंट दी थी। ये केस का जो ऑफिशियल नाम था वो था इंदिरा स्वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसको मीडिया में मंडल केस के नाम से भी जाना जाता था। नाउ इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट्स दी। पहले तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो एस सी एस टी कम्युनिटी के लिए मैं कहूँगा अच्छी बात है, काफ़ी सारे लोगों ने इसको वेलकम किया। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से लोग हैं उनको सरकारी नौकरी में कोटा मिलता रहेगा और उनको क्रीमी लेयर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। आपको ये पता होगा कि ओबीसी रिजर्वेशन में एक क्रीमी लेयर का एंगल है, वहाँ पे क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल यूज़ होता है कि एक सर्टन अगर आप इनकम कैटेगरी में आते हो, वेरी हाई इनकम कैटेगरी में आते हो, तो वहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो चीज़ ओबीसी रिजर्वेशन में है वो हम एससी एसटी रिजर्वेशन में नहीं डालेंगे, ये बात थी। मगर फिर इसी केस में एससी एसटी आरक्षण को लेकर जब प्रमोशन की बात आई तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी, मैं कहूँगा, एक डिफरेंट डिसीजन दिया। अब यहाँ पे 1992 के केस में वर्डिट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 पर भी अपने विचार शेयर किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन जब सुप्रीम कोर्ट ने दी तो बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं उनके लिए सरकारी नौकरी में प्रमोशन रुक गया। यहाँ पर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में ये कहा कि एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है सरकारी नौकरी में। एक बार जब उनकी नौकरी लग गई तो नौकरी लगने के बाद भी उनको प्रमोशन में रिजर्वेशन की आवश्यकता नहीं है, वो अपने मेरिट पे पा सकते हैं। अब ये काफ़ी बड़ी बात थी क्योंकि एससी एसटी कम्युनिटी 1950 से ये जो प्रमोशन की ये प्रिविलेज है ये इंजॉय कर रही थी, क्योंकि 1950 से ही जो भी अगर मान लो एससी एसटी कम्युनिटी से कोई अगर व्यक्ति नौकरी लगता था तो उसके बाद क्या होता था कि उनको नौकरी में भी प्रमोशन जल्दी जल्दी मिलता था और वो आराम से एक अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब इसको स्ट्राइक डाउन किया और यहाँ पे आर्टिकल 16 ये सब क्लॉज 4 पर अपना इंटरप्रिटेशन दिया तो इससे काफ़ी कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे रीज़न ये दिया, द रीजनिंग वॉज दैट रिजर्वेशंस एग्जिस्ट टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो आरक्षण का मेन यूज़ है वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए है, टू रेमेडी अनइक्वल स्टार्टिंग पोजीशन, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इंडियन सोसाइटी में जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो अनइक्वल है। जो जनरल कास्ट या फिर बाकी जो कास्ट हैं उनको काफ़ी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन मिलती है, एजुकेशन मिलती है, और जो बाकी एससी एसटी कम्युनिटी है उनको ज़्यादा ये प्रिविलेज नहीं मिलती, तो उनको इनिशियली एक स्टार्ट अच्छी मिलनी चाहिए, इसलिए हमने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इनिशियली नौकरी में हमने रिजर्वेशन रखा हुआ है। उसके बाद जो प्रमोशन में कोटा है उसकी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 335 को लाइट में लाया और कहा कि यहाँ पर प्रमोशन की आवश्यकता नहीं है एससी एसटी कम्युनिटी को। तो 1950 से पहली बार 1992 में एससी एसटी कम्युनिटी के लिए सरकारी नौकरी में जो प्रमोशन था ये रुक गया। अब जैसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया तो बहुत सारे यहाँ पे एससी कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, पार्लियामेंट में ये बात उठाई गई कि ये अनफेयर है,
यहाँ पे प्रमोशन की आवश्यकता है, क्योंकि प्रमोशन को लेके भी माना जाता था कि काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होती है। कुछ जो ऐसी नेता थे उन्होंने यहाँ पे यह तर्क दिया कि सिंस बहुत सारे जो यहाँ पर IAS ऑफिसर्स हैं जो SC ST कम्युनिटी से आते हैं, उनकी CR अच्छी बनती नहीं है, तो आगे जाकर उनको प्रमोशन आराम से मिलता नहीं है। तो काफ़ी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ इस चीज़ को लेकर, सरकार एक्शन में आई। सरकार ने यहाँ पे कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 की, इस यहाँ पे हम थोड़ा डिफर करते हैं, हम मानते हैं कि SC ST कम्युनिटी के लोगों को अभी भी आरक्षण चाहिए प्रमोशन में भी सरकारी नौकरी में। तो इसको चेंज करने के लिए सरकार ने अमेंडमेंट बिल पास किया आर्टिकल 16 सब सेक्शन सॉरी सब क्लॉज 4 का, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, उसके बाद जन्म हुआ आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A का। और जो यहाँ पे संशोधन लाया गया इस आर्टिकल में, इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन दी सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो बेसिकली यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसको ओवर रूल करते हुए ये अमेंडमेंट पास किया गया, और इससे वापस सरकारी नौकरी में जो ये प्रमोशन था ये शुरू हो गया। अब ये जो था, ये सब तो हुआ 1992 और 1995 में, ठीक है। 1995 में वो वहाँ पे अमेंडमेंट बिल पास कर दिया गया और ये पावर में आ गया। उसके बाद हम आते हैं 2006 में एक बहुत ही बड़ा केस सामने आता है, M. Nagaraj केस। ये इस केस में बेसिकली था क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है 77 अमेंडमेंट की, जहाँ पे आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 को चेंज किया गया था, वहाँ पर जो एक नया एडिशन किया गया था कि जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में ये बिल्कुल जारी रहेगा, इसकी जो वैलिडिटी है इसको चैलेंज किया गया, क्या ये सही है या नहीं। अब यहाँ पे कोर्ट ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग जजमेंट दिया। कोर्ट ने यहाँ पर पहली बात तो ये कहा कि जो यहाँ पे 77 अमेंडमेंट है, मतलब कि जो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A है, ये अपनी जगह ठीक है, सरकार ने यहाँ पे ठीक तरीके से बिल पास किया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं है। मगर साथ साथ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेबलिंग प्रोविजंस डाल दिए, जिससे फिर से SC ST कम्युनिटी के लिए प्रमोशन पाना सरकारी नौकरी में काफ़ी हद तक मुश्किल हो गया। यहाँ पे क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कहा कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A अपनी जगह ठीक है, मगर साथ में ये ऐड कर दिया कि अगर स्टेट को सरकारी नौकरी में किसी एम्प्लॉई को आरक्षण देना है तो वहाँ पे 3 कंडीशंस फॉलो करनी होगी। वो 3 कंडीशन क्या है? द स्टेट वुड हैव टू डेमोन्स्ट्रेट बैकवर्डनेस, दिखाना होगा कि जिसको यहाँ पे रिजर्वेशन मिल रहा है वो व्यक्ति सच में बैकवर्ड है या नहीं। अब ये काफ़ी एक टेक्निकल बात थी, वहाँ पे बहुत सारी जो यहाँ पे सरकारें थी उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये करना काफ़ी मुश्किल होगा। फिर जो सेकेंड कंडीशन थी वो भी थोड़ी सी और थी, यहाँ पे लिखा था कि इन एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी प्रूव करनी होगी, आपको दिखाना होगा कि जो टॉप मोस्ट यहाँ पे लेयर है ब्यूरोक्रेसी की, वहाँ पे सच में SC ST कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पुअर है, ये डेटा के साथ आपको प्रूव करना होगा। फिर जो तीसरी कंडीशन थी वो ये थी कि यहाँ पे आपको दिखाना है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि अगर आप SC ST कम्युनिटी के लोगों को सरकारी नौकरी में यहाँ पे आरक्षण देते हो तो इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी एफिशिएंसी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ऑफकोर्स यहाँ पे मेरिट पे प्रमोशन नहीं दे रहे, यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि एक अगर सर्टन सेक्शन से कोई एक व्यक्ति बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिकली प्रमोशन हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ये भी देखना होगा कि इससे जो डिपार्टमेंट है ये एफिशिएंट तरीके से काम करता रहे, डिपार्टमेंट की जो फंक्शनिंग है उसमें प्रॉब्लम ना आए। अब क्या है कि जो M. Nagaraj वाला यहाँ पे केस था, जो जजमेंट था 2006 वाला, उसके बाद से SC ST कम्युनिटी के जो लोग थे उनको सरकारी नौकरी में जो आरक्षण है प्रमोशन में वो पाने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ रेयर केस में मिल रहा था, मगर ओवरऑल काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज ऑफ द 3 कंडीशंस। अब 2018 में हम आते हैं सितंबर महीने में, तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था जर्नेल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का। यहाँ पर बेसिकली एक प्ली डाली गई कि जो M. Nagaraj केस था इसको रिविजिट किया जाए। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को बेसिकली कहा गया कि आप एक काम करिए, जो यहाँ पे 2006 में जो वर्डिक्ट दिया था इसको हम चाहते हैं फिर से यहाँ पर एक केस खुले और एक 7 जज की बेंच यहाँ पे बैठे, क्योंकि 2006 में 5 जज की बेंच बैठी थी, तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि एक 7 जज की बेंच बैठे और ये जो पूरा डिसीजन था इसको रिविजिट किया जाए। अब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी इस प्रपोजल का समर्थन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पे यही कहा
कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको प्रमोशन मिले सरकारी नौकरी में, और उसके लिए ये जो वर्डिट था 2006 का उसमें कुछ चेंजेस लाने ज़रूरी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बेसिकली क्या किया है, 2018 में जो 1992 वाला केस था और जो 2006 वाला केस था, ये नागराज वाला केस, दोनों के वर्डिट में चेंज ला दिए हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो ये कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है 7 जज की बेंच बिठाने की, हम यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है हम इसका समाधान कर देंगे, और यहाँ पे जो पहले दो वर्डिक्ट थे इसमें चेंजेस सुना दिए हैं। इसकी जो बेसिक यहाँ पे आप कह सकते हैं जजमेंट में बातें बोली गई थी वहाँ पे काफ़ी चेंजेस ला दिए हैं, जिससे ओवरऑल आज के टाइम में एससी एसटी कम्युनिटी के लिए आरक्षण पाना सरकारी नौकरी में, प्रमोशन में काफ़ी हद तक आसान हो गया है। अब ये चेंजेस क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। तो 2018 के वर्डिक्ट में जो 3 कंडीशंस हैं इसमें से 2 कंडीशन हटा दी है। दो कंडीशन कौन कौन सी है, पहली बात तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा है कि कोई क्वांटिफाइबल डेटा की आवश्यकता नहीं है जो बताए कि एक यहाँ पे व्यक्ति बैकवर्ड है या नहीं, या फिर कितनी बैकवर्डनेस है कम्युनिटी में, इसकी आवश्यकता नहीं है। उसके बिना भी यहाँ पे जो सरकारी नौकरी है वहाँ पे रिजर्वेशन मिल सकता है प्रमोशन में। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि डिपार्टमेंट में इससे कुछ असर पड़ेगा, एफिशिएंसी खराब होगी, ये भी स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। डिपार्टमेंट की जो एफिशिएंसी है यहाँ पे उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, तो जो 2 कंडीशन थी यहाँ पर वो हटा दी। मगर जो यहाँ पर तीसरी कंडीशन है वो अभी भी बरकरार है कि यहाँ पे आपको डेटा से प्रूव करना होगा कि जो हायर ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पर इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है एससी एसटी कम्युनिटी की कैडर में, और ये प्रूव करना रिलेटिवली काफ़ी हद तक आसानी होगा क्योंकि जो हायर ब्यूरोक्रेसी है वहाँ पे सच में अभी भी काफ़ी आप कह सकते हैं इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है एससी एसटी कम्युनिटी के ऑफिसर्स की। अब यहाँ पर तो 2018 की जजमेंट में 2016 की जो जजमेंट थी उसमें कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए। फिर हम आते हैं 1992 की जजमेंट में जहाँ पर लिखा हुआ था कि एससी एसटी कम्युनिटी के लोगों को सरकारी नौकरी में जो यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है या जो प्रमोशन मिलता है जो भी है वहाँ पे क्रीमी लेयर से जूझने की आवश्यकता नहीं है, उनको क्रीमी लेयर टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग इनफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोटा इन प्रमोशंस आर ओके, मगर क्रीमी लेयर को बाहर करो यहाँ पे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि एससी एसटी कम्युनिटी में जो क्रीमी लेयर है, जो एक काफ़ी हाई इनकम ग्रुप से आते हैं, उनको यहाँ पर प्रमोशन में कोटा नहीं मिलना चाहिए। और क्रीमी लेयर की जो डेफिनेशन है ये मैं यहाँ पर दे चुका हूँ। तो इससे पहले जो ये सिस्टम था, पहली बात तो OBC को यहाँ पर सरकारी नौकरी में प्रमोशन में कोटा नहीं मिलता, सीधा नौकरी में मिलता है और वहाँ पर भी क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल लगता है। तो यहाँ पर क्या है कि एससी एसटी कम्युनिटी के लोग जो यहाँ पे सरकारी नौकरी में प्रमोशन में कोटा पाते थे, अब उनको भी यहाँ पर क्रीमी लेयर के प्रिंसिपल से गुजरना होगा, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दे रखी है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था पूरा एनालिसिस कि पहले कौन सी जजमेंट थी, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और किस तरीके से अभी आने वाले टाइम में जो सरकारी नौकरी है वहाँ पर ये जो प्रमोशन में कोटा है ये चलेगा। So this is the end of the video. Thanks for listening and God bless you all.